राजस्थान में भाजपा की तरफ से भजन लाल शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया है। वो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे और ये एक बहुत चौंकाने वाला फैसला जो सामने आया, इसको लेकर सभी तरफ चर्चा हो रही है। भजन लाल शर्मा सांगानेर से विधायक है फिलहाल भाजपा के। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी केस को लेकर अब एक अपडेट जिस तरीके से लगातार जारी है, और गोगामेड़ी केस पर अब भजन लाल शर्मा के सीएम बनने के बाद राजेंद्र सिंह नरोका जो कि राजपूत समाज के सामाजिक नेता हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक कमेंट किया है। गोगामेड़ी केस पर लगातार जांच जारी है और बहुत सारी जो बातें हैं वो इस केस में निकल कर सामने आई हैं। इसी को लेकर अब ये पोस्ट नए सीएम की जिस तरीके से आज घोषणा हुई है उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखी है कि भजन लाल जी अब आपसे न्याय की उम्मीद है। ये पोस्ट राजेंद्र सिंह नरोका ने सोशल मीडिया पर करी है। भजन लाल शर्मा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की श्रद्धांजलि सभा में जो कि प्रताप नगर के अंदर रखी गई थी महाराणा प्रताप सर्किल पर, उसमें भी पहुंचे थे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को श्रद्धांजलि अर्पित करने। ये फोटोज़ तभी की हैं जब वो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी उसमें पहुंचे थे और वहाँ पर अपने विचार भी रखे थे। और वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन लोगों ने इस केस को लेकर विधायक भजन लाल शर्मा को ज्ञापन भी दिया था जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब जो विधायक थे सिर्फ, अब वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं राजस्थान के, और इसी को लेकर राजेंद्र सिंह नरोका ने ये पोस्ट आज करी थी। गोगामेड़ी केस में दिन पर दिन नए खुलासे होते जा रहे हैं, इसको लेकर अब और क्या खुलासे होते हैं और क्या बातें सामने आती हैं ये देखने वाली बात होगी। लगातार इस केस को लेकर राजपूत समाज के जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर जो कमेंट्स कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं कि इस केस को लेकर जो भी बातें हों वो सामने आए, और जांच को लेकर भी वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जांच जल्द पूरी करी जाए और जो भी बातें हैं इसके अंदर सामने आए। तो भजन लाल शर्मा को लेकर जो आज ये पोस्ट करी है राजेंद्र सिंह नरोका ने, नए सीएम की घोषणा होते ही सीधी उन्होंने उनके लिए पोस्ट करी है। बाकी की अपडेट्स न्यूज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें।